हेलो फ्रेंड्स, सी एम सी ए टी प्रोग्राम यूट्यूब चैनल में आप सबको बहुत बहुत स्वागत है। मैं फिर एक बार सी प्रोग्राम ट्यूटोरियल में आप सबके सामने उपस्थित हूँ एक नए प्रोग्राम के साथ। तो आज का जो प्रोग्राम ट्यूटोरियल है, जो एक आपको बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम है, जो आपको लॉजिकल प्रोग्राम है, जिसमें हम जानेंगे, एक नंबर इनपुट करेंगे और वो नंबर में जितने सारे आपको डिजिट्स हैं, सब डिजिट्स को आपको सम होगा। तो चलिए अब हम प्रोग्राम मोड में चलते हैं। सबसे पहले प्रोग्राम मोड में जाने से पहले, सी प्रोग्राम में स्टार्ट करने से पहले, सबसे पहले हमें आपको हेडर फाइल यूज़ करना होता है। हैश इंक्लूड, ठीक है, stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h, ठीक है। हेडर फाइल जो होते हैं, जितने सारे आपको लाइब्रेरी फाइल्स होते हैं, सब आपको हेडर फाइल में डिक्लेरेशन किया हुआ रहता है, इसीलिए हम हेडर फाइल यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, आपको मेन फंक्शन, ये आपको मेन फंक्शन का बॉडी है, आपको जो भी कोडिंग लिखना है मेन फंक्शन के अंदर में लिखा जाता है। खास करके मेन फंक्शन का यूज़ जो है आपको इसलिए करते हैं कि जब भी प्रोग्रामिंग रन करते हैं, अर्थात प्रोग्रामिंग जो कंपाइल होता है वो आपको मेन फंक्शन से ही बिगिंस होते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, हम अब एक नंबर इनपुट करेंगे और वो नंबर को जितने सारे डिजिट्स हैं सबको आपको सम होगा। इसके लिए हमें क्या करना होता है, एक आपको नम वेरिएबल लेना होता है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, नम वेरिएबल लेंगे, यहाँ पे CLR SCR, ठीक है। ये एक आपको फंक्शन है जो स्क्रीन को क्लियर करते हैं, जितना प्रीवियस आउटपुट है उस क्लियर करने के लिए यूज़ किया जाता है। हम एक प्रिंटर फंक्शन चलते हैं, ठीक है। एक आपको इनपुट आउटपुट फंक्शन है, ठीक है, जो किसी भी वेरिएबल को वैल्यू या फिर मैसेज प्रिंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इंटर द नंबर, ठीक है, एक नंबर मैंने इनपुट लिया हूँ, ठीक है। यहाँ पे सेमी कलन, ये स्कैन ऐप करेंगे, स्कैन ऐप, ठीक है, स्कैन ऐप, यहाँ पे SCAN, स्कैन ऐप। स्कैन ऐप फंक्शन वैल्यू को इनपुट करने के लिए खास करके यूज़ किया जाता है। %d क्लोज कॉमा, यहाँ पे क्या होगा, M% नम होगा, ठीक है। नम क्या करते हैं, यहाँ पे ब्रेसेस देते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक नंबर मैंने इनपुट लिया हूँ, ठीक है। चलिए खास करके हम रन करके देखते हैं, यहाँ पे 0 एरर है। यहाँ पे रन करते हैं, इंटर द नंबर, जस्ट 12 इनपुट लिया हूँ, ठीक है। अब हमें क्या करना है, तो वो नंबर जो इनपुट करेंगे नंबर को सम करना है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक आपको s, s=0, s जो वेरिएबल है, जितने सारे डिजिट्स हैं वो सब क्या होगा, यहाँ पे s वेरिएबल में स्टोर होगा, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, हम एक नम लेते हैं, ठीक है, नम लेंगे। तो अब यहाँ पे हमें व्हाइल स्टेटमेंट चलाना होगा, ठीक है। व्हाइल स्टेटमेंट एक आपको लूप है, व्हाइल लूप है, व्हाइल नम, ठीक है। यहाँ पे इनपुट नम लिए, यहाँ पे तो व्हाइल नम इज नॉट इक्वल टू 0, तब तक ये लूप वर्क करेंगे जब तक आपको नम का वैल्यू जो है 0 तक वो नहीं, नम इक्वल टू 0 नहीं होगा, ठीक है। तो इस ये जो है, ये ब्रेसेज जो है, ये ब्रेसेज आपको व्हाइल लूप के लिए है, ठीक है। ये जो ब्रेसेज है, मतलब ये जो आप देख रहे हैं कि जितना आपको जो सेक्शन है, ब्रेसेज वाला सेक्शन है, वो आपको क्या है, व्हाइल लूप के लिए आपको ये सेक्शन है, इसमें आप हमें कोडिंग देना होगा। तो अब क्या करेंगे हम व्हाइल लूप के लिए, यहाँ पे आर आर एक वेरिएबल लिया गया है, यहाँ पे आर एक वेरिएबल यहाँ पे ले रहे हैं, यहाँ पे नम कमा आर कमा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, आर इक्वल टू क्या होगा, आर इक्वल टू यहाँ पे नम रिमाइंडर 10, ठीक है। इसे रिमाइंडर भी कहते हैं या फिर मॉडुलस भी कहते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे s=s+r, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, num=num/10। ये जो तीन ठो स्टेटमेंट है, num=num/क्या होगा, यहाँ पे 10 होगा, सेमी कोलन दे रहे हैं, ठीक है। ये तीन जो स्टेटमेंट में लॉजिक आपको यही है, जब भी आप सम ऑफ डिजिट्स करेंगे तो ये तीन स्टेटमेंट हमें समझना होगा। हालांकि इधर बहुत सिंपल है, ये CLR SCR फंक्शन है, डिक्लेरेशन स्टेटमेंट है, इनपुट स्टेटमेंट है, तब तक ये वर्क करेंगे, तब तक ये तीन स्टेटमेंट वर्क करेंगे जब तक आपको ये कंडीशन आपको ट्रू होगा। मैंने ऑलरेडी आपको बोल दिया था कि जब भी लूप तब तक वर्क करते हैं जब तक कंडीशन ट्रू होता है। मान लीजिए 1, 2, 3 लिए, ठीक है, तो आर का वैल्यू क्या होगा, num/10, ठीक है। तो num/10 क्या होगा, यहाँ पे 1, 2, 3/10, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या होगा, 3 आएगा, ठीक है। s=s+r, s का वैल्यू यहाँ पे डिफॉल्ट 0 है, यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे s का वैल्यू 0 है,
यहाँ पे s इक्वल टू जीरो है, तो s प्लस आर, तो आर यहाँ पे क्या होगा, थ्री होगा, तो जीरो प्लस थ्री इक्वल टू थ्री, ठीक है, s का वैल्यू थ्री होगा। नम इक्वल टू नम बाई टेन, यहाँ पे थर्ड टर्म में आपको 123, 1 2 3 लिए हैं, तो 123 बाई 10 इक्वल टू 12 आएगा, तो नम का वैल्यू 12 आया। फर्स्ट टाइम में नम का वैल्यू कितना, 12, s इक्वल टू थ्री, ठीक है, और यहाँ r इक्वल टू कितना होगा आपको, 3। अब क्या करेंगे, फिर 12 इज नॉट इक्वल टू जीरो, कंडीशन ट्रू है, तो ट्रू है तो फिर क्या होगा, 12 मोड 10, 12 मोड 10 मतलब आपको रिमाइंडर कितना आया, 2, ठीक है, रिमाइंडर कितना आया, 2। s इक्वल टू s प्लस आर, तो s का वैल्यू क्या था पहले, 3 था, 3 प्लस 2 इक्वल टू 5, नम इक्वल टू नम प्लस 10, 12 मोड 10 इक्वल टू 2, ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे, 2 होगा। तो यहाँ पे s इक्वल टू 5 है, s में जो है आपको जो डिजिट्स का सम स्टोर हो रहा है, फिर यहाँ पे कितना होगा, 2 हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे उसके बाद जो आपको 12 है, तो फिर यहाँ पे नम इक्वल टू 0 होगा। इस तरह क्या करते हैं, आपको लूप वर्क करते हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, पहले हमें यहाँ पे प्रिंट एफ, ठीक है, प्रिंट एफ क्या करेंगे, यहाँ पे द सम ऑफ डिजिट्स आर, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, परसेंट डी क्लोज कॉमा, क्या होगा यहाँ पे, एस होगा, ठीक है। अब जब भी हम यहाँ पे सेमी कोलन देके यहाँ पे रन करता हूँ, ठीक है, सबसे पहले रन करें, यहाँ पे वन एरर है, यहाँ पे नम जो है मल्टीपल डिक्लेरेशन फॉर नम, ठीक है, यहाँ पे एक नम दो ठो है, एक ठो नम आपको यहाँ से डिलीट कर दें, ठीक है, अल्ट एफ नाइन, कंट्रोल एफ नाइन, मान लीजिए 1 2 3 है, 3 4, यहाँ पे क्या करेंगे, 10, ठीक है, 4 3 7 2 9 1 10, तो इस तरह हम वर्क कर सकते हैं। खास करके ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट आपको अच्छी तरह समझना होगा, ठीक है, ये फर्स्ट में आपको नंबर में 10 से रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर रिटर्न होगा, s इक्वल टू s प्लस r, s में क्या होगा, r रिमाइंडर ऐड होगा, नम इक्वल टू नम बाई 10, नंबर में 10 से डिवाइड होगा वो होगा, फिर ये नम का वैल्यू न्यू अपडेट स्टोर होगा, फिर चेक होगा, फिर वो r इक्वल टू नम बाई 10 होगा, फिर s इक्वल टू s प्लस r होगा, तो इस तरह क्या करते हैं, ये वर्क करते हैं, लास्ट में s का वैल्यू जितना होगा वो क्या होगा आपको, s का वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होगा। तो चलिए अब हम, एक्सप्लेनेशन बहुत ज़रूरी है, सबसे पहले एक्सप्लेनेशन हम जानते हैं, तो यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन के लिए यहाँ पे दिया गया है आपको नोटपैड, ठीक है, यहाँ पे नोटपैड में देखिए, मान लीजिए कि नम इक्वल टू 1 2 3, बिल्कुल ये नम का वैल्यू 1 2 3 लिए है, व्हाइल नम इज नॉट इक्वल टू 0 तब तक वर्क करेंगे, तो 1 2 3 इज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू है, कंडीशन यहाँ पे ट्रू है, ठीक है, कंडीशन ट्रू है तो क्या होगा, आर इक्वल टू नम और 10 होगा, 1 2 3 बाई 10, रिमाइंडर 3, एस इक्वल टू एस प्लस आर, 0 प्लस 3 इक्वल टू 3, नम इक्वल टू नम बाई 10, 1 2 3 बाई 10 इक्वल टू 12, ठीक है, तो ये आपको नम का वैल्यू फर्स्ट टाइम में 12 है, फिर वाइल नम इज नॉट इक्वल टू 0, 12 इज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन ये भी ट्रू है, ठीक है, तो तब तक वर्क करेंगे ये लूप, तब जब तक आपको कंडीशन ट्रू होगा, आर इक्वल टू नम बाई 10, 12 मोड 10, रिमाइंडर 10 इक्वल टू 2, एस इक्वल टू एस प्लस आर, 3 प्लस 2 इक्वल टू 5, ये आपको आर 2 है, 3 प्लस 2 इक्वल टू 5, नम इक्वल टू नम बाई 10, ठीक है, तो 12 बाई 10 इक्वल टू 1, सेकेंड टाइम में क्या हुआ, नम इक्वल टू 1, फिर वाइल नम इज नॉट इक्वल टू 0, 1 इज नॉट इक्वल टू 0, ये भी कंडीशन ट्रू है, तो क्या होगा, आर इक्वल टू नम मोर 10, दैट मीन्स 1 रिमाइंडर 10 इक्वल टू 1, एस इक्वल टू एस प्लस आर, 5 प्लस 1 इक्वल टू 6, नम इक्वल टू नम बाई 10, 0, तो देखिए फोर्थ टाइम में आपको नम का वैल्यू क्या है, यहाँ पे 0 है, तो कंडीशन बिकम्स फॉल्स, तो जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो क्या होगा, आपको लूप वर्क करना छोड़ देते हैं और क्या करते हैं, उससे लूप से बाहर हो जाते हैं, तो आउटपुट विल बी 6, क्या हुआ, आउटपुट 6 हो गया। तो इस तरह हम आपको सी प्रोग्राम ट्यूटोरियल को प्रोग्राम बना सकते हैं, ठीक है, तो ये था आज का प्रोग्राम, जिसमें आपने जाना कि एक नंबर इनपुट करेंगे और वो नंबर में जितने सारे आपको डिजिट्स है, डिजिट्स को सम होगा, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, इसके हेल्प से आप बहुत सारे अच्छे बड़े अच्छे अच्छे प्रोग्राम बना सकते हैं। इसके साथ साथ मैं इस ट्यूटोरियल को यहीं पर ख़त्म करने जा रहा हूँ, और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि यदि वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, एक दूसरे को साथ शेयर करें, और नई यूट्यूब वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।